से भरो पिचकारी, स्नेह से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने ना कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों की होली। खबर समय जगत की टीम की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं नगरवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल राज्यसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, आरिफ अकील और मंत्री पीसी शर्मा उपस्थित थे। साथ ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, रामेश्वर निखरा, राजकुमार पटेल एवं समर्थक उपस्थित थे। मैं श्रद्धेय श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी, सुश्री प्रियंका जी और कांग्रेस और वर्किंग कमेटी के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ। माननीय कमलनाथ जी का भी आभारी हूँ और कांग्रेस से जुड़े हुए सभी राजनेताओं का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं राज्यसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करूं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में विचारधारा की लड़ाई लड़ी है और अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। मेरे राजनीतिक जीवन में इस बात का पूरा प्रयास हुआ कि तत्कालीन भारतीय जनसंघ का मैं सदस्य बनूं लेकिन जब उनकी विचारधारा मैंने देखी तो मैंने ये निर्णय लिया कि ये विचारधारा मेरे विचारों से मेल नहीं खाती है और इसीलिए मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली और आखिरी सांस तक मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में काम करूंगा। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। राजनेताओं की क्रेडिबिलिटी आज हाशिए पर है, मैं अपनी बात पर कायम रहने का आदि हूँ। मैंने कहा था कि यदि 2003 में सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी तो मैं 10 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैंने वो निभाया। मेरे लिए राजनीतिक विश्वसनीयता बहुत आवश्यक है और उससे मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। आज देश में जो हालात हैं, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, जिस प्रकार से इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव की मानसिकता, गंगा जमनी संस्कृति को तोड़ा जा रहा है, इस देश के सामाजिक समरसता को बिगाड़ा जा रहा है, उस समय हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हम सब एक होकर जिस प्रकार का कुटिल षड्यंत्र इस देश में भारतीय जनता पार्टी चला रही है, धर्म के आधार पर लोगों में नफरत पैदा की जा रही है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती आई है और करेगी। हम कट्टरपंथी विचारधारा, चाहे कांग्रेस और चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की हो, कांग्रेस ने हमेशा इस कट्टरपंथी विचारधारा का विरोध किया है। और आपको मैं स्मरण दिला दूं कि मेरे मुख्यमंत्री काल में कोई भी कट्टरपंथी हिंदू या कट्टरपंथी मुसलमान ने
भड़काऊ भाषण दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसके कारण प्रदेश में एक दंगा फसाद नहीं होने दिया और पूरे तरीके से हम लोगों ने इस देश में और इस प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा। भारत के लिए भोपाल से परमेश्वर राव की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।